नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड सरकार जिस सोच के साथ नई उत्पाद नीति झारखंड में लागू की थी, वह अब फेल नजर आ रही है। दरअसल सरकार को उम्मीद थी कि नई उत्पाद नीति के तहत उन्हें पूर्व के मुकाबले ज्यादा राजस्व मिलेगा, पर वर्तमान में तय लक्ष्य के अनुसार भी राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। आज उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने उत्पाद विभाग में राज्य भर से आए तमाम जिलों के उत्पाद अधिकारियों के साथ बैठक की और समीक्षा की गई कि नई उत्पाद नीति के तहत सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है। उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि निश्चित तौर पर नई उत्पाद नीति के तहत सरकार को जो उम्मीदें थी, वह लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहे हैं। वर्तमान में सरकार लगभग 350 करोड़ रुपए के घाटे से गुजर रही है। ऐसे नहीं, समीक्षा के बाद संभव है कि आने वाले दिनों में उत्पाद नीति में बदलाव हो सकता है। 28/11/22 से नीचा हुआ था, निर्देश दिया गया था, उसी पर हम लोग समीक्षा कर रहे थे। पहला तो समीक्षा हमारे बजट पर हुआ, जो बजट पर सारे जूनियर विभाग थे, उत्पाद भवन बनना है, हम लोग ने लगभग जगह काम चालू है, लेकिन ये निर्देश दिया गया कि आप बजट में 0 बजट का पालन कीजिए। वो लोग चले गए। अभी हमारे जो एजेंसी है, एजेंसी जैसे हमारे आपका बिक्री का जो लक्ष्य है, जो पूरा नहीं हो पा रहा है, जो एजेंसी को जिम्मा दिया गया था वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मेरे विभाग 1822 करोड़ का आवंटन लगाया गया है मैन पावर पर। किसी तरह का समझौता हमने नहीं करेंगे।